कटनी जिले के सलीमनाबाद थाना क्षेत्र पिपरिया गांव में युवती से मिलने आए कथित प्रेमी और महिला को ससुराल के लोगों ने जूतों की माला पहनाकर ग्राम में घुमा दिया और फिर इसका एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब इस वीडियो के आधार पर सलीमनाबाद थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जाँच शुरू कर दी है। सलीमनाबाद थाना प्रभारी बिपिन सिंह ने बताया कि 10 मई को डायल 100 के माध्यम से सूचना मिली थी कि पिपरिया गांव में उत्तर प्रदेश का एक युवक सलीमनाबाद थाना क्षेत्र की एक महिला से मिलने पहुंचा था और वह युवक महिला से प्रेम करता है, दोनों साथ में रहना चाह रहे हैं। जिस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, यूपी से आए राहुल कुमार नामक युवक और महिला के ससुराल पक्ष के लोगों से बात की गई और उन्हें समझाइश देने का प्रयास किया गया। बताया गया है कि इसी विवाद के दौरान कुछ लोगों ने युवक के साथ मारपीट कर दी थी और उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। दिनांक 10/5/23 को दोपहर में 100 डायल में इवेंट प्राप्त हुआ था। सैलाबपुर के उप सरपंच श्री विश्वनाथ सिंह द्वारा दिया गया था कि पिपरिया गांव में एक यूपी का एक व्यक्ति आया हुआ है जिसे गाँव वाले बैठाए हुए हैं और अतर सिंह अंकर सिंह नाम के पुरुष जो वहीं के हैं उनकी पत्नी से उसके कोर से बातचीत होती है। इवेंट प्राप्त होने पर थाना सिमनाबाद से 100 डायल गई थी। गांव में जाने पर वहां देखा कि गांव के उप सरपंच सरपंच कोतवाल सचिव महिला के पति ससुर एवं उक्त व्यक्ति भी वहां बैठे हुए। दोनों पक्षों से बातचीत की गई, दोनों पक्षों ने सहमति दी और अपने आप पहले उन लोगों ने बैठ के पंचायत कर ली थी जिसमें महिला गीताबाई के भाई वगैरह नरेश सिंह वगैरह भी वहाँ थे। उन सब ने 100 डायल में जब गए तो उनको बताया कि ये महिला गीता सिंह और जो यूपी का लड़का है राहुल कुमार ये दोनों आपस में साथ में रहना चाह रहे हैं, जिससे इन दोनों के लिए लिखा पढ़ी करके हम लोग साथ में इनको भेजना चाहते हैं। पुलिस द्वारा वहाँ मौके पर पूछताछ की गई थी कि किसी के साथ कोई मारपीट की गई है क्या, कोई ऐसी बात तो नहीं, तो उन्होंने बताया किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई, जिससे महिला गीता बाई को और राहुल कुमार को गांव वालों ने साथ में करके वहाँ से रवाना कर दिया। उस दिनांक तक कोई खबर नहीं थी। कल दिनांक 13/5/23 को एक हमें भी पत्रकार महोदय के माध्यम से एक फोटो और वीडियो मिला जिसमें उक्त महिला एवं पुरुष दोनों के गले में कुछ पुराने जूते चप्पल की माला थी। इस संबंध में अन्य किसी व्यक्ति द्वारा या किसी पक्षकार द्वारा थाने में कोई शिकायत नहीं की गई है, किंतु जो फोटो और वीडियो प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर पुलिस गंभीरता से उसकी जांच कर रही है और जो भी संबंधित व्यक्ति इसमें संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध पुलिस प्रभावी कार्रवाई करेगी।